घूमे फिरे तू चाहे सब शहर, तू है मेरा, तू है मेरा। खाली है जो तेरे बिना, मैं वो घर हूँ तेरा। खाली है जो तेरे बिना, मैं वो घर हूँ तेरा। हाय, मैं हूँ आनंद महान और आप सुन रहे हैं इस सॉन्ग वासी पोयम। ये जो सॉन्ग है, जब हैरी मेट सेजल मूवी से जब मैंने ये गाना सुना था पहली दफा, बहुत सुकून आया था। यकीन मानिए, लगता है कि हाँ, आई एम मिसिंग माई होम, माई फैमिली। और इस बात का एहसास आपको तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आप अपने घर से दूर ना हो। ये वाला सॉन्ग बहुत याद आया था जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था। सारे लोग अपने अपने घरों की ओर जा रहे थे, गाड़ियां नहीं चल रही थी, ट्रेन, बस, सारे कुछ रोक दिया गया था। याद होगा आपको भी, जो घर से दूर होंगे उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि ये कोई गारंटी नहीं था कि ये लॉकडाउन के पीरियड कब तक चलने वाला है। सबको लग रहा था एक सप्ताह चलेगा, उसके बाद डेट और एक्सटेंड हो गई, एक महीना हो गया, यूं करते करते 3 महीने हो गए। ये सोच करके बहुत से लोग डर गए, कमाने का कोई जरिया नहीं है, खाने के लिए दिक्कत है, चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन कम हो गया है, या तो यूँ कहो एकदम ही कम हो गया, ना के बराबर। जो पैसे हैं वो भी लिमिटेड ही है, अब आना बंद सा हो गया है। कुछ हालात ऐसे थे, कुछ लोगों ने तो पैदल ही घर का रास्ता नाप लिया। उस समय इस बात की कोई फिक्र नहीं थी कि रास्ता कितना लंबा है, कितने दिन में पहुंचेंगे, रास्ते में क्या क्या तकलीफें आएंगी। बस एक चीज दिमाग में चल रही थी, घर पहुंचना है, घर पहुंचना है, बस घर पहुंचना है। ये दुनिया रहे ना रहे, उससे पहले अपने परिवार को देखना है, अपने परिवार से मिलना है। खैर, वो फेज था, बीत गया। लगभग लोग घर में पहुंच ही गए हैं, तो आज उन्हीं के लिए। खाली है जो तेरे बिना, मैं वो घर हूँ तेरा। घूमे फिरे तू चाहे सब शहर, तू है मेरा। खाली हूँ जो तेरे बिना, मैं वो घर हूँ तेरा। मुझ पे कब से है लिखा, बस तेरा ही नाम है। मुझ में जो है मेरा, सब तेरा ही नाम है। चाहत भी तू मेरी और हक भी है मेरा, चाहत भी तू मेरी, हक भी है मेरा। खाली है जो तेरे बिना,
मैं वो घर हूँ तेरा, मैं हूँ वो घर तेरा। हमसे ना जाने क्यों बेवजह जलते हैं फासले, हमसे ना जाने क्यों बेवजह जलते हैं फासले। मिलना तेरा गले पर, मिलना तेरा गले पर, मिल रहे हैं ये गले, मिल रहे हैं ये गले। आजा मिटा ये जो है फासले, आजा मिटा ये जो है फासले, तेरा मेरा खाली है जो तेरे बिना। मैं वो घर हूँ तेरा, मैं वो घर हूँ तेरा। ये था, और ये जब मुसीबत का वक्त था तब बहुत सारे लोग आगे आए मदद करने को। कुछ तो सुपर हीरो की जैसे आगे बढ़ के आए, उनमें से एक थे सोनू सूद। एक वक्त था जब पूरे इंटरनेट पे वही छाए हुए थे। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने मदद नहीं की, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन जो मिड डे मील के तौर पर दोपहर को खाना खिलाते थे, रात को खाना खिलाते थे, जो लोग रास्ते में हैं उनके ठहरने का इंतजाम करते थे, उनका दर्द शायद हम कभी नहीं समझ सकते। जब कभी पैदल घर आना हो, अगर आप 10 किलोमीटर भी दूर हो घर से और आने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा हो बिना पैदल जाने का, तब भी ये आपको रियलाइज हो जाएगा। और जब आपका घर आपसे 1400-1500 किलोमीटर दूर हो, तब तो ये इस बात का अंदाज़ा लगा पाना भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा होगा, और ये हो भी रहा है कि किन मानसिक पीड़ा से गुजर रहे होंगे और वे कितने मजबूत होंगे जो इतने धैर्य, इतना मेहनत से धीरे धीरे करके कठिनाई से सह करके वे अपने घर पहुँचे, वो अपना घर पहुँचे। तो ये पॉडकास्ट उनके लिए डेडिकेटेड है। थैंक यू, मिलते हैं किसी नए एपिसोड में। और जाते वक्त मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो कमेंट करें कि हाँ मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं। कुछ तो देखे जाइए, सब्सक्राइब देख के जाइए, कमेंट देख के जाइए, और एक लाइक तो देख ही जाइए। थैंक यू।